अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी हाफिज़ मोहम्मद अली आपका खैर मकदम करता हूँ कस्सा 7 टीवी न्यूज़ चैनल पर। नाज़रीन देखते हैं आज की ताज़ा और अहम खबर। खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का कस्सा 7 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। शहर निज़ामाबाद के फूलांग कब्रिस्तान जो कि हैदराबाद रोड पर वाक़ है, इसमें करीबी 3 स्टार होटल इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से अक्सर व बेशतर गंदगी, कचरा, कूड़ा करकट वगैरह डालना एक मामूली इकदाम होकर रह गया था। इसके मुस्तकिल तदराक के लिए इकदाम नागजीर हो गया था। इस खसूस में मोहम्मद नदीम नायब सदर हेल्प एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद ने ग्रान कदर का नमा अंजाम देते हुए ज़िला इंतज़ामिया और होटल इंतज़ामिया को मुतवज्जा करवाते हुए मुस्तकिल इकदाम अंजाम दिया गया। इस खसूस में सदर फलाही कमेटी व सदर इंतज़ामी कमेटी फूलांग कब्रिस्तान निज़ामाबाद मिस्टर मोहम्मद कुदरतुल्ला खान इकबाल पटेल ने भी मुतईद मरतबा होटल इंतज़ामिया की तवज्जो मबजूल करवाई कि कबूर की बेहुरमती को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अब फूलांग कब्रिस्तान निज़ामाबाद में गंदगी के मुस्तकिल तदराक का इकदाम काबिल सताइश बन चुका है। आइए जानते हैं इस खसूस में मजीद तफसीलात। पेश है कस्बा 7 न्यूज़ चैनल की एक खसूसी रिपोर्ट। आज फूलांग कब्रिस्तान में 8 दिन पहले हम देखे थे कि कब्रिस्तान के अंदर पांडी वाल जो पंशी होटल के पीछे होटल वाले जो गालिस पानी छोड़ रहे थे, तो हम म्यूनसिपल कमीशनर को दरख्वास्त दी थी। वो दरख्वास्त के म्यूनसिपल के जो हिस्से है वो आगे यहाँ पे दौरा करते हुए बंद करा दिए जो नाले थे जो पानी का जो छोड़ रहे थे। हम वो दरख्वास्त देने के बाद उसके ऊपर सख्त एक्शन हुआ और इसके बाद अगर जो भी होगा तो हम सीधा कोर्ट से रुजू होंगे, क्योंकि ये कब्रिस्तान की गलीस पानी छोड़ने से यहाँ पर जो जायरीन आते वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हम कमिश्नर मैडम और MHO साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो हमारी दरख्वास्त पे सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए 2-3 दिन के अंदर वो बंद करा दिए जो पानी आ रहा था। तो हम इसमें उर्दू मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारे को हर वक्त साथ दिए मीडिया वाले। तो हम आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ दे के हमारा साथ दे रहे हैं ठहर कर, और जो भी ये काम अगर रहेंगे कब्रिस्तान के अंदर वो हम हमेशा काम करते रहेंगे। और एक बार हम शुक्रिया अदा करते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का। अल्लाह मज़ीद तफ़सीलात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।